गाइस अगर आपको भी इंस्टाग्राम स्टोरी में कोई मेंशन कर रहा है कुछ इस प्रकार से, वो स्टोरी आपके पास नहीं आ पा रही है, फिर आप किसी की भी स्टोरी को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में नहीं लगा पा रहे हो, तो आज मैं बताऊंगा कैसे आप इसको ठीक कर सकते हो, बिल्कुल लाइव करके बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए दो स्टेप करना है, बस आपको दोनों स्टेप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए जैसे पहला स्टेप के लिए आपको करना है इंस्टाग्राम को कट कर देना है, फुल टू फुल कट कर देने के बाद अपने मोबाइल फोन का सेटिंग को आपको ओपन कर लेना है। सेटिंग में आ जाने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको सर्च बार में आ जाने के बाद सिंपली आपको AAPS ऐप्स करके सर्च करना है, आपका कोई भी मोबाइल हो सेम प्रोसेस करना है। जैसे यहाँ सर्च कर दोगे यहाँ पर आपको सेकंड वाले पर आपको ये सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको मैनेज ऐप्स पर चले जाना है। ऐप्स पर आ जाने के बाद सिंपली यहाँ पर फिर से आपको एक बार सर्च करना है, बार यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम सर्च कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टाग्राम को सर्च करता हूँ तो यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम को सिलेक्ट करना है और स्टेप को फॉलो करना है। देखिए यहाँ पर इंस्टाग्राम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन आ जाए, इस पर क्लिक करके क्लियर कैच और क्लियर डाटा कर लीजिएगा अगर आपको इंस्टाग्राम आईडी का पासवर्ड पता है तब। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ एक ऑप्शन आएगा ऐप परमिशन का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप पर क्लिक करोगे यहाँ से आपको करना है कैमरा का ऑप्शन आएगा, इसको वापस से डेनी से अलाउ करना है, ये वापस है सबका डेनी हो जाएगा, सबको फिर से आपको अलाउ करना है। यहाँ से आपको स्टेप बाय स्टेप सबको अलाउ कर देना है। यहाँ से आपको ये पहली सेटिंग हो चुकी है और यहाँ से आपको कट कर देना है। दूसरी सेटिंग के लिए वो जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दूसरी सेटिंग को जाने के लिए आपको सिंपली अपने प्ले स्टोर के अंदर सिंपली यहाँ पर आपको करने का इंस्टाग्राम को सर्च कर लेना है। इंस्टाग्राम को सर्च कर लेने के बाद सिंपली आपको करने का अपने इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर के तब मेरा बीटा लिखा रहा है, अगर आप में बीटा लिखा नहीं आ रहा तो आपको बीटा में ज्वाइन हो जाना है। बीटा में ज्वाइन हो जाने के लिए आप इजीली यूट्यूब पर कोई एक वीडियो देख सकते हो और बीटा में ज्वाइन हो सकते हो, और यही सब अगर आप प्रोसेस कीजिएगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये वीडियो यहीं तक, अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।